लेकिन खबरदार, में सबसे पहले बात करेंगे 15 महीने की महामारी पर सबसे बड़े फैसले की। कोरोना से हुए एक एक मौत पर अब मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा कितना होगा, गाइडलाइन क्या होगी, ये सरकार को 6 हफ्ते के अंदर तय करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि डेथ सर्टिफिकेट को सही करना होगा, डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया आसान बनानी होगी, क्योंकि कोरोना से मौत के कई सारे ऐसे केस थे जिसमें मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी गई। बहुत सारे लोगों की कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत हुई, कई लोगों की पोस्ट कोविड बीमारियों से मौत हुई, पोस्टमार्टम नहीं किए गए जिससे पता चले कि कोविड से ही मौत हुई। इसीलिए अब इन सभी के कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। जो पुराने डेथ सर्टिफिकेट हैं उन्हें सही करना होगा। ये कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए भी जरूरी है। मुआवजा देने पर सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुआवजा देना ही होगा। तीन लाख 98,454, ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है। उन परिवारों से पूछो जिनके अपने चले गए, जिनका सहारा चला गया, जिन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं, जिन पर सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है कि कोरोना से जिन परिवारों में मौत हुई है वो मुआवजे के हकदार है। मुआवजा कितना होगा ये सरकारें ही तय करे, लेकिन मुआवजा देना ही होगा। ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यानी कोरोना से जुड़ी एक एक मौत पर मुआवजा मिलेगा। हर हाल में सरकार को एक तय रकम हर उस परिवार को देनी होगी जिनके अपनों की जान इस महामारी में गई है। इस पर मई में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। दो अलग अलग अर्जियां लगाई गई थी कि कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिले, डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को आसान बनाया जाए। लेकिन मुआवजे वाली बात पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 39 पन्नों का हलफनामा दिया, मुआवजे के खिलाफ अपनी दलीलें दी और ये कहा कि कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी संसाधनों की भी एक सीमा होती है। अगर इस तरह से मुआवजा दिया गया तो आपदा राहत कोष का पूरा बजट इसी पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद फिर महामारी से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? 4 लाख के मुआवजे का खर्च केंद्र और राज्य नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो वित्तीय बोझ से दबे हैं। मुआवजा ना देने पर केंद्र ने एक और दलील दी कि आपदा प्रबंधन कानून में भूकंप बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है, इसमें कोरोना नहीं है। और अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की रकम दी जाएगी और दूसरी बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये गलत होगा। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। खास तौर पर आपदा प्रबंधन कानून को आधार बनाकर सरकार ने मुआवजे से बचने की जो दलीलें दी थी, उन दलीलों ने उसी कानून की एक धारा में दम तोड़ दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत एक नोटिफाई आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ये प्रावधान अनिवार्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस धारा में शैल शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब ये प्रावधान अनिवार्य है और ये पूरा करना सरकार का दायित्व है। यानी मुआवजा न देने पर कानूनी पेच निकाले गए लेकिन ये काम नहीं आए। सरकार इन कानूनी पेच और अपनी दलीलों में खुद ही फंस गई, क्योंकि एक तरफ वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में निर्धारित 12 प्राकृतिक आपदाओं में कोरोना के शामिल ना होने की दलील दे रही थी, दूसरी तरफ कोरोना इसी एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपदा में नोटिफाई कर चुकी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ाई का पूरा प्रबंधन ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रहा है। ऐसे में मुआवजे की बात आने पर इसे एक्ट के बाहर रखने की दलील फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को भी फटकार लगाई और केंद्र सरकार को भी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA से कहा कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे, क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जिससे कोरोना पीड़ितों को न्यूनतम राहत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अदालत ये तो नहीं कहेगी कि कितना मुआवजा दिया जाए, मुआवजे की रकम केंद्र तय करे, लेकिन मुआवजा देना कानूनी दायित्व है। अब मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनानी होगी। मुआवजा कितना होगा ये खुद तय करना होगा। अगर 4 लाख नहीं तो कितनी रकम दी जा सकती है इसे निर्धारित करना होगा और ये सब 6 हफ्ते के अंदर तय करना होगा, जिससे राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए जाएं और फिर कोविड पीड़ित तक मदद पहुंचाई जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना से घर के घर तबाह हुए, कई परिवारों में अकेला कमाने वाला चला गया, माँ बाप से उनका सहारा छिन गया, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे परिवारों की हर हाल में मदद होनी चाहिए। 4 लाख रुपए देना बड़ी बात नहीं है, 4 लाख रुपए आखिर क्यों नहीं दिए जा सकते? क्या ये सरकारों के इतने लिए इतना बड़ा बोझ है जिसे उठाया नहीं जा सकता? अगर 4 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से देखें तो अब तक करीब 4 लाख मौतों पर मुआवजे का खर्च करीब 16,000 करोड़ रुपए आएगा। ये जीडीपी के 1% का भी 1,000वां हिस्सा है। इससे तो 9 गुना ज्यादा रकम की उधारी इस साल बैंकों ने अपने एनपीए खाते से हटा दी है। संपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। अब अगर आगे कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख भी पहुंच जाता है तो भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इससे ज्यादा तो मनरेगा का 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। इससे ज्यादा सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद एमएसपी पर की है, यानी मुआवजे की रकम को मैनेज किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का तर्क यह है कि कोरोना से लड़ाई में खर्च बहुत है, कोरोना मैनेजमेंट पर खर्च है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च है, वैक्सीन पर खर्च है, फ्री राशन पर खर्च है, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राहत पैकेज में खर्च है और इन्हीं तरीकों से महामारी में लोगों की मदद की जा रही है। ये होना चाहिए, लेकिन उन परिवारों तक भी सीधे मदद का हाथ पहुंचना चाहिए जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया और जो बिना सहारे के हैं। इन्हें मुआवजा देने में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, हर हाल में मदद मिलनी चाहिए।